बड़ी खबर है जहां पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतगणना हो रही है। दतिया से बड़ी खबर आपको बता दें, पंचायत चुनाव का पहला चरण हो चुका है 25 तारीख को और इसके लिए मतगणना हो रही है। पंचायत के सभी पदों के लिए आज मतगणना हो रही है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना है और मतगणना स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। मतगणना केंद्र के अंदर प्रवेश को लेकर धक्का मुक्की हुई है। सुरक्षा बलों, उम्मीदवार और उनके समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हुई है। मौके पर पुलिस अधीक्षक पहुंचे, कलेक्टर पहुंचे हैं और अनियंत्रित हो रहे लोगों को समझाने की कोशिश हुई है। 147 पंच पद, 131 सरपंच पद, 25 जनपद सदस्य पद के लिए मतगणना है और 5 जिला पंचायत सदस्यों के लिए भी मतगणना हो रही है। 5 जिला पंचायत सदस्यों के पद थे जिनके लिए आज मतगणना हो रही है। तस्वीरें सामने आई दतिया से जहां धक्का मुक्की हो रही है मतगणना स्थल पर, और हमारे सहयोगी राजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से जब मतगणना स्थल पर तैयारी हो रही थी मतगणना की, इस दौरान जो उम्मीदवार थे उनके समर्थक थे उनके बीच में काफी यहां गहमा गहमी देखने को मिली, इस वक्त क्या स्थिति है वहां पर और क्या मतगणना की शुरुआत शांतिपूर्वक हो पाई है? जी बिल्कुल, सुबह 8 बजे से ही मतगणना प्रारंभ हो गई है। सुबह देखा गया था कि भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल तैनात है और जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक भी भारी संख्या में मतगणना स्थल पर पहुंचे हुए थे और प्रवेश को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस से उनकी थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हुई, लेकिन वहां पर जिला कलेक्टर संजय कुमार और पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर मौके पर पहुंचे और उनने लोगों को समझाया कि किस प्रकार से अंदर जाना है। पूरी प्रक्रिया को समझाने के बाद भीड़ पर काबू किया और भीड़ को अलग करके जो भी उम्मीदवार उनके प्रत्याशी उम्मीदवारों के जो भी समर्थक थे उनको बाहर खड़ा करके जो लोग अंदर जाने के लिए जिनके कार्ड बने हुए थे उनको अंदर प्रवेश कराया गया और शांति की व्यवस्था पूरी तरह से बनी हुई है। मतगणना प्रारंभ हो चुकी है। जी बिल्कुल, तो चलिए राहत की बात ये रही राजीव की, शांतिपूर्वक मतगणना शुरू हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर।